और रानी आप तो इस शीशे की जान छोड़ दे, मैंने भी तैयार होना है, अभी तक कपड़े तब्दील नहीं किए मैंने। मी हो जाएगा तैयार, 2 मिनट रुक जाए, मुझे बस लिपस्टिक लगाने दे। अच्छा वैसे इसकी अपनी कजन की शादी है ना, तो इसने कितनी कीमती शॉपिंग की है हमारे लिए। मैं उससे एक बात पूछूं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। हाँ पूछ। ये सालेहा जो है इतनी महंगी शॉपिंग कर कैसे लेती है? और इसकी बहन ने कराई होगी शॉपिंग, माँ तो इन बहनों को मुंह नहीं लगाती। वैसे तू मुझे एक बात बता, ये तेरे पास ये ज्वेलरी कहाँ से आई? क्योंकि सालेहा ने जो खरीदी थी मेरे साथ जाके वो तो कोई और थी। मम्मी पुरानी ज्वेलरी है, पुरानी, और अल्लाह के वास्ते सालेहा के सामने इस बात का जिक्र मत कर दीजिएगा। और जन्नू में भेज सालेहा को, उसने अपनी माँ को नहीं देखा, बुढ़ी घोड़ी तो लाल लगाम, अब तो तू पीछे हटना। मुझे तैयार होने दे, मैंने भी शादी पे जाना। चली जाएगा शादी पे और होती रहे तैयार आप। मैं तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया था ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हें यहाँ पर जाने। तुम तो अभी तक वनीत के सहन नहीं हो। वलीद के नाम पे मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, नहीं करनी मुझे शॉपिंग। हशमत भाई आप कैसे हैं? कौन है तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपकी बहन साहिरा। गाली मत दो मुझे। मेरा रिश्ता आपके लिए गाली? हाँ, तुम्हारे माजी ने इस रिश्ते को गाली बना दिया। इस विलासत ने इस रिश्ते को गाली बना दिया। अशमत तुम बकवास बंद करो, तुम्हें देखकर तो मेरा आज भी खून खौलता है। ये ना हो आज यहां भी तुम्हारा तमाशा बना दूं मैं। अशमत भाई एक मिनट, गाली तो आपने मुझे पहले ही बना दिया था, मुझे बस मेरी एक बात का जवाब दे। जाने से पहले मैं आपके पास अपनी अमानत छोड़ के गई थी। कहां है? मर गई है वो, और उसके कातिल तुम हो साहिरा। तुम्हारे भागने के कुछ दिन बाद मर गई थी वो, क्षमा चाहिए तुम्हें? छोड़ दो साहिरा, जिस शख्स का दिल आज भी पत्थर है उससे फरियाद करने का क्या फायदा? चुप कर रह जा, दफा हो जाओ यहां से। चलो